कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शासन द्वारा लगातार लॉकडाउन की तिथियों को बढ़ाने का असर अब रेलवे से लेकर रोडवेज की बसों पर भी नजर आने लगा है। दिल्ली मुंबई से आने वाले यात्रियों से गुलजार रहने वाला रेलवे स्टेशन वीरान नजर आ रहा है, तो वहीं बस स्टेशन पर भी वही यात्री नजर आ रहे हैं जो प्राइवेट साधनों से गोरखपुर पहुंच रहे हैं और जिन्हें आगे की यात्रा करना है वे रोडवेज बसों का सहारा ले रहे हैं। इस संबंध में परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बस स्टेशन से आसपास के जिलों के लिए यात्रियों के लिए बसें चलाई जा रही हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर अंतरराज्यीय बसों का संचालन बंद कर दिया गया है और वहीं दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बसें यूपी बॉर्डर के कौसाम्बी बस स्टेशन तक ही चल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया। कोरोना को लेकर के जो अवेयरनेस हमको हम लोगों को डिपो में रखनी है, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ हेल्प डेस्क बनाई हुई है। जो भी यात्री आ रहे हैं उनके जो है हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, उनका जो है थर्मल स्कैनर थर्मल गन से जो है उनका बुखार भी नापा जा रहा है। अगर कहीं कोई वो आता है किसी को जो है उठाता है तुरंत तत्काल उसकी जो है सूचना मेरे पास आ जाती है और संबंधितों को जो है बता दिया जाता है प्रशासन को। यात्री लोकल यात्री निकलना बिल्कुल बंद हो गए हैं। ट्रेन से आने वाले या कुछ प्राइवेट बसों से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं लंबी दूरी की बसों से वही यात्री आ रहे हैं जो हमारी बसों से सफ़र कर रहे हैं। बाकी लंबी दूरी के कोई यात्री नहीं है, सब जो है शॉर्ट उसकी दूरी है ये यात्री हैं। और कुल मिला करके ये मान के चलिए कि 20% या 25% ही इनकम आ रही है वहाँ। इंटरनेशनल बसों का सारा संचालन हमारे शासन के आदेश पर जो है बंद कर दिया गया है। पहले कहाँ से कहाँ तक चलती थी इंटरनेशनल बसें? यहाँ से तो खाली बिहार के अंदर चलती थी, पटना और मोतिहारी चलती थी, लेकिन फिलहाल वो भी बंद हैं। और इसके अलावा पश्चिम क्षेत्रों से जो परिवहन निगम की बसें मध्य प्रदेश राजस्थान या उत्तरांचल में जाती थी वो सारी बसें भी बंद हैं। दिल्ली में कौसाम्बी बस स्टेशन तक हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उधर आनंद विहार नहीं जाते हैं।